आज हम पढ़ेंगे समूह निर्णय यानी ग्रुप डिसीजन। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई निर्णय मैनेजर के द्वारा लिया जाता है वो तो ये एक तो महत्वपूर्ण कार्य होता है, पहली चीज। दूसरी चीज़ की डिसीजन अकेले लिया जा सकता है लेकिन यह समूह के साथ लिया जा सकता है। सोचने वाली बात है कि डिसीजन अकेले लिया जाए या ग्रुप के साथ लिया जाए। निर्णय यानी जो डिसीजन है आप अकेले मैनेजर द्वारा लिया जा सकता है तो उसे हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कहा जाएगा। जब मैनेजर के द्वारा लिया जाएगा तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कहा जाता है यानी व्यक्तिगत निर्णय। जब कोई ग्रुप कोई निर्णय लेता है तो उसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। समय के अनुसार तथा समस्या और स्थिति पर निर्भर करती है। निर्णय लेने का कार्य व्यक्तिगत रूप से समूह के द्वारा ही किया जाएगा यानी ग्रुप के साथ ही किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि निर्णय ग्रुप के द्वारा ही लिया जाए वह व्यक्तिगत रूप से लिए जाने वाले निर्णय से अच्छा होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आजकल निर्णय लेने के लिए यानी डिसीजन लेने के लिए टीम ग्रुप और समितियां बनाते हैं। ग्रुप डिसीजन में कुछ लाभ भी होती हैं कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा लैंग्वेज स्किल्स, दूसरा एकेडमिक नॉलेज, तीसरा लीडरशिप स्किल्स, चौथा पीपल हैंडलिंग स्किल्स, पांचवा टीम वर्क, छठा जनरल नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसमें क्या होता है कि आपने सुना ही होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि दो दिमाग से एक ही अच्छा, यानी ग्रुप डिसीजन पर ही लागू होती है। व्यक्ति जब अकेले निर्णय लेता है तो उसके ज्ञान क्षमता विचार और विकल्प सीमित होते हैं। किसी मसले के संबंध में ग्रुप के सदस्यों के बीच जब आम राय हो जाती है तब व्यक्तिगत निर्णय की तुलना में समूह निर्णय अच्छा माना जाता है। जब समूह निर्णय पर आधार यानी जो बेस होता है वो समूह के अनेक सदस्यों के अधिक ज्ञान अनुभव और सूचना होती है, इसके फलस्वरूप निर्णय की गुणवत्ता में सुधार आता है। निर्णय लेने के समय अनेक विकल्प को ध्यान में रखा जाता है कि भाई इसका बढ़िया है कि इस बंदे का बढ़िया है, जिसका बढ़िया लगता है उसके सब ग्रुप बना के वो डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि डिसीजन की कोई प्रोसेस में अनेक व्यक्ति शामिल रहते हैं, इससे सदस्यों के बीच में ये भावना विकसित होती है कि इसके फलस्वरूप डिसीजन को कार्य करने के संबंध में सदस्यों की कमिटमेंट बढ़ती है। वे अधिक संतुष्ट रहते हैं कि भाई हमने अपनी बात आगे रखी, यानी प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके हिसाब से, और इस संबंध में उसमें सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन का स्तर भी बढ़ जाता है। समूह निर्णय से समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत का विकास होता है और संगठन में चल रहे कार्यों के संबंध में उनकी जानकारी बढ़ती है और सदस्य संगठन में मौजूदा जो बाधाएँ आती हैं उससे अवगत होते हैं। इसके फलस्वरूप डिसीजन के कार्य करने के लिए ये मन लगाकर कार्य करते हैं जिससे समूह और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। लिमिटेशन भी आती है इसमें, अब भाई ग्रुप डिसीजन में कुछ कंपनियां कमियों से मुक्त नहीं है। नीचे दिए गए कुछ कमियां हम बता रहे हैं। पहली कमियां हैं कि एक ग्रुप की सहमति लिया जाना चाहिए, उसमें काफ़ी समय लगता है, इसके कारण समस्याओं की जटिलता बढ़ जाती है और व्यक्तित्वों में अंतर समूह के अंतर्गत राजनीति का होना भी हो सकता है, पॉलिटिक्स खेलने लग जाएंगे ग्रुप्स के लोग। कभी ग्रुप डिस्कशन की डिसीजन लेने में ना कोई गोपनीयता को मनाए रखना कठिन होता है कि यार ये बात हमारी हम ग्रुप्स के बीच में हो रही है तो एक ग्रुप का कोई भी बंदा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी दूसरी कंपनी को दे सकता है। तो समूह निर्णय की स्थिति में कुछ थोड़े ही सदस्यों को प्रधानता हो सकती है जिससे ऐसे निर्णयों की भावना और प्रभाविता पर प्रभाव पड़ता है कि भाई उस बंदे को अधिक मौका दिया है। ग्रुप डिसीजन की स्थिति में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, इसलिए ऐसे निर्णय कभी कभी निष्ठुर प्रभावहीन तथा देर से लिए जाने वाले सिद्ध होते हैं। कभी कभी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स अपने सहयोगियों के प्रति बहुत अप्रिय निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है उनको, इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आती है और यह उस स्थिति में लागू होता है जब ग्रुप अपना संसहायक होता है।
यानी कोहेसिव कहा जाता है इसको। बस यही है डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बेनिफिट और बेनिफिट का लिमिटेशन।